जो भी चाहिए बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। ये रेशम नहीं बार है मेरे रित्विक को, इसे कड़ी से सजा दीजिए और इसे फांसी पर चढ़ाइए। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए आप लोग। कोर्ट आइए एंड दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अरेस्ट हिम। अगर मुझे 1% भी शक हुआ ना कि इसने मेरे रिश्ते की जान ली है, आई स्वेयर मैं इसकी जान ले लूंगी। देख बिल्ला, तू पैसे के लिए काम करता ना, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तुझे डबल चाहिए ट्रिपल चाहिए जितना मांगेगा मैं दूंगा, बस इतना बता दे कि असली कातिल कौन है। जितना मांगूंगा देगा? दूंगा, बताता हूँ। करण लूथरा की बेल हो गई है, उसे बाहर निकालो। जी सर। मैं अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसी जेल में रहूंगा। दैट्स इट। और डैड आप मेरी बात सुन, तेरी बेल हो गई है, बात बताओ आप नहीं चाहते कि ऋषभ जेल से बाहर आए? हाँ, आप उससे प्यार नहीं करते, उसकी बेल नहीं कराई आपने? नहीं प्यार करता उससे, चलता हूँ मैं उससे। पुलिस ने बिल्ला को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसका फोन कॉन्फिस्केट नहीं किया उन्होंने। मतलब कोर्ट के रिकॉर्ड में भी बिल्ला के फोन का कहीं जिक्र नहीं और ना ही पुलिस स्टेशन में इसका कोई जिक्र है। इसलिए तो मैंने प्लान बनाया, देखा और बता दिया ना उसने फोन वाली बात। तो हमें जल्द से जल्द बिल्ला का फोन ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसके फोन के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें डेफिनेटली उस कातिल का नाम और उसका नंबर पता लग जाएगा। हाँ, हम चलते हैं फटाफट, बिल्ला का फोन ढूंढते हैं। पहले एक्सीडेंट स्पॉट पे जाते हैं, वहाँ नहीं मिला तो आसपास जहाँ भी जो भी जगह हमें लगता है कि उसका फोन हो सकता है वहाँ देखते हैं। चलो एक्सीडेंट स्पॉट पे चलते हैं, क्योंकि अगर वो लोग हमसे पहले पहुँच गए उन्हें फोन मिल जाएगा और उसमें तुम्हारा नंबर भी, तो उसके बाद जो तुम्हारे जो क्राइम मास्टर प्लान है ना वो फेल हो जाएगा, हम जेल में सड़ जाएंगे। देखिए बहुत जरूरी है, मुझे एक बार बस बच्चों से बात करा दीजिए। नहीं करवा सकती। क्यों बात नहीं करा सकती आप? क्योंकि आपकी दोनों बेटियां घर पे नहीं है। प्रीता पुलिस स्टेशन गई है क्योंकि सृष्टि वहां है। खरोंच कैसे लगती है तुझे? सरना जी ये सब हमारी गलती है, हमारी वजह से। करेक्शन भाभी, करेक्शन, हमारी वजह से नहीं, इसकी वजह से। इसने मारपीट की, उस जुर्म में इसे अरेस्ट कर लिया। वो फोन सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि उस फोन में मेरी जन्म कुंडली है। आज एक मौका दो, करण लूथरा तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं, उसे मौका दो। मैं निकाल देता हूं। तो तुम दरवाजा खोलोगे तो निकल जाएगा। तुम प्लीज, क्या हुआ? मिल गया। क्या मिल गया पुत्र? बिल्ला का फोन मिल गया। मिल गया? ओह माय गॉड। बिल्ला ने जब ऋतिक का एक्सीडेंट किया तो हर वक्त वो अपने फोन पे उस मास्टरमाइंड से बात कर रहा था। तो अब जो बिल्ला का फोन मिल गया है, उसके कॉल रिकॉर्ड से हम उस मास्टरमाइंड का नाम और नंबर पता लगा सकते हैं। बस आधा घंटा और, आधे घंटे तक तो सब सो जाएंगे, वो लूथरास भी और मेरी प्रीता जी भी। उसके बाद फुल मून की फुल लाइट में मैं अंदर घुसूंगा और करूंगा फुल मून पार्टी। इतनी जोर से भूख लग रही है ना, सच में। क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? भूख लग रही थी ना तो खाने के लिए ढूंढ रही हूँ। भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लग रही है। तो खाओ ना बिस्किट, मैं भी खा रही हूँ। अरे पागल है, छोड़ इसे। इतनी जोर से भूख लग रही है दोनों को, बिस्किट खा के मिटाएंगे क्या? अरे कुछ अच्छा बनाते हैं। बनाते हैं? हाँ, मेरा मतलब मैं बनाती हूँ। हाँ, तू खाली खड़ी होकर देख और ना कुछ सीख ले, क्योंकि कल को जोर से भूख लगेगी तो बिस्किट से पेट नहीं भरेगा। समझ गई। वैसे क्या बना रहे हो? अब जो भी दिखेगा जो जल्दी बन जाए। हाँ, नूडल्स। चल हट। हाँ दी, नूडल्स तो झट से बन जाएंगे और फट से हमारी भूख भी मिट जाएगी। अच्छा एक काम कर सृष्टि, तू ना करण से भी जाकर पूछ ले कि उसे भी भूख तो नहीं लगी। एक्चुअली लगी ही होगी, उसने भी काफी देर से कुछ नहीं खाया। तो फिर मैं तीनों का इकट्ठे ही बना दूंगी। आए हाय, क्या बात है, तीनों का इकट्ठे बनाओगी? बड़ी फिक्र हो रही है करण सर की। I mean, उनके खाने की फिक्र हो रही है, I mean, उनके भूख की। इन शॉर्ट उनकी फिक्र हो रही है ना आपको। तू चुप हो जा। अगर इस तरह की बातें करेगी ना तो मैं दो ही लोगों के लिए बनाऊंगी, तेरे लिए बनाऊंगी नहीं, और वो भी अकेले ही खा जाऊंगी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज माफ कर दो यार, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, आपने तो पर्सनली ले लिया। जाती हूँ पूछने करण सर से। हाँ फटाफट कर। हो गई हूँ। आई करण सर को सिर्फ पूछना है या उनको लेकर आना है? मतलब देखने का मन कर रहा होगा ना आपका उनको, उनका आपको। कि नहीं? हाँ, सॉरी। बता, सूप बनाने से पहले ही खा जाऊंगे, इसको थोड़ी भूख तो मिट जाएगी यार। तो टमाटर वापस कर, सब्जियां लगेंगी। ओके फाइन, गुड कैच दी। I mean, सोचने वाली बात है ना, करण सर क्रिकेटर जो शॉट्स पे शॉट्स मारते रहते हैं और आप हर शॉट को कैच कर लेती हैं। हाय रामलीला जोड़ी, अब तू नहीं बचेगी। कभी मुझे ये चिंता क्यों नहीं होती कि पृथ्वी जी ने खाया कि नहीं, लेकिन करण ने खाया कि नहीं ये जरूर होती। तूने देखा चोर को? मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन मैंने आवाजें सुनी। पक्का वो यही है। सृष्टि तौलिया देना, कबड़ में होगा। दी गया गया काम से। प्रीता जी अलमारी खोलने जा रही है, मेरी तरफ आ रही है। अरे दी यहीं पर डाल। एक मिनट। चाची ने मुझे यहाँ तक कहा कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे घर आए थे, फिर भी मैंने चाची को उल्टा सुनाया कि अभिषेक मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसे नहीं करता। But I didn't know कि मेरा दोस्त मेरे घर मुझसे नहीं मेरी वाइफ से मिलने आता है, बात मुझसे करता है, नजरें उस पर रखता है। बात दोस्ती की कर रहा है लेकिन वाइफ प्ले सॉफ्ट फीलिंग्स बढ़ा। प्रज्ञा और मेरे बीच में मुझे कुछ नहीं सुना। Just tell me yes or no. Do you have feelings of Pragya? Yes or no, अभिषेक मेरा। नहीं जाएंगे हम देवघर। इस वक्त हमारी छोटी बहन को हमारी और जारा की जरूरत है। 7 दिन के अंदर अरीना के इस हाँ को हम ना में बदल देंगे और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़वा देंगे। इस घर का बेटा और बहू मिलकर इस घर की बेटी की जिंदगी बनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम मनोहरे। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? आप तो कभी मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए। अगर कभी किसी से प्यार किया होता ना तो आप शायद समझ जाते। आप पूर्वा, टेबल पे तुम्हारे लिए एक ट्रेन की टिकट और कुछ पैसे रखे, उसी के बगल में एक और लिफाफा है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने फैसले खुद करती हो, इसलिए आगे का डिसीजन भी तुम्हारा ही है पूर्वा। अगर तुम्हें वापस लौट कर आना है तो लिफाफे में रखे कागज को फाड़ देना, नहीं तो अपनी जिंदगी वैसे ही जीना जैसे तुम जीना चाहती थी। नहीं जाएंगे हम देवघर। इस वक्त हमारी छोटी बहन को हमारी और जारा की जरूरत है। 7 दिन के अंदर अरीना के इस हाँ को हम ना में बदल देंगे और इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के तोड़वा देंगे। इस घर का बेटा और बहू मिलकर इस घर की बेटी की जिंदगी बनाएंगे।